अजीज तुलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने इसके पहले जमा दहवों मजबून मराठी सबक नंबर 12 मोर इसका परिच्छेद नंबर 1 यानी हिस्सा नंबर 1 इसका मुताला किया, इसका उर्दू भावार्थ उर्दू स्पष्टीकरण समझा कि किस तरह मोर को एक कौमी परिंदे का शर्फ हासिल हुआ और मोर ने कौन कौन से इम्तहान उसमें पास किए और मोर के साथ कौन कौन से परिंदों का नाम सरकार के पास एक कौमी परिंदा चुनने के लिए भेजा गया और किस तरह हमारा मोर कौमी परिंदे को शर्फ हासिल करने के लिए काबिल हुआ। तो प्यारे बच्चों, आइए उसी का अगला मरहला यानी अगला हिस्सा जो अभी हम उसका भावार्थ समझने जा रहे हैं, हमारा अगला हिस्सा यानी परिच्छेद नंबर 2 आज हम इसका भावार्थ समझेंगे और इसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। भारतातील एक हिमालय प्रदेश सोडला तर भारतात सर्व प्रदेशात मोर पाहायला मिळतो, यानी कि भारत का कुछ हिमालय हिस्सा अगर छोड़ दिया जाए तो भारत की हर जगह हर खित्तों में जो है मोर पाए जाते हैं। भारत प्रमुख्याने उष्ण कटिबंधाचा प्रदेश असल्याने मोर भारतात सर्वत्र पाहायला मिळतो, यानी कि भारत हमारा एक गर्म खित्ता होने की वजह से भारत के हर हिस्सों में मोर पाए जाते हैं। आशिया खंडाचा इतर ही देशात मोर थोड़ा प्रमाणात वास्तव्य है, यानी आशिया खंड यानी हमारे एशिया के अंदर भी कुछ हिस्सों में मोर कम तादाद में पाए जाते हैं। ब्रह्म देशात मोराला राष्ट्रीय पक्षी म्हणून मान दिला आहे, यानी कि ब्रह्म देश यानी बर्मा के अंदर मोर को एक कौमी परिंदे का शर्फ हासिल है, यानी कौमी परिंदे के तौर पर उसे मान दिया जाता है। परंतु 1947 हा भारतातच एक भाग समझला जात होता, यानी कि ब्रह्मदेश जो बर्मा है ये 1947 के पहले भारत का ही एक हिस्सा माना जाता था। तेथील चाल रीति भारताप्रमाणे ही आहे, फार फरकाने भारताप्रमाणेच आहे, यानी कि वहां के जो चाल रीति है वहां के जो रस्म रिवाज है पूरी भारत के जैसे ही है, थोड़ा उसमें फर्क पाया जाता है। मोर हा कोंबडी चा जमातीतील पोट जातीचा पक्षी आहे, यानी मोर एक मुर्गी की जमात से ताल्लुक रखता है। या जातीतील पक्षी लांब असतात आणि त्यांना नखे असतात, इस जाति के इस जमात के परिंदे जो है लंबे होते हैं और उनको नाखून होते हैं। मोर मुख्यतः लांब लांब टांगा चालत असतात आणि कापतात आणि जमिनीवर अंडी घालतात, यानी मोर जो है लंबी लंबी कदम डाल के चलते हैं, यानी लंबी लंबी दूरियां काट के चलते हैं और अंडे जमीन पर देते हैं। तितर आणि बटेर त्याच्या दूरच्या नात्यातले आहे, यानी तितर और बटेर ये जो दो परिंदे हैं ये इसके दूर के रिश्तेदार हैं। आणि कोंबडा त्याचा जवळचा भाऊबंद आहे, यानी कोंबडा उसका नजदीक का भाईबंद है, यानी उसका नजदीक का रिश्तेदार है। ब्रह्मदेश आणि अग्नेय आशिया ही आदरता, यानी मोर बर्मा के अंदर और आशिया खंड में भी पाए जाते हैं, पण त्याच्या रंगात निळ्या ऐवजी हिरव्या छटा जास्त असतात, लेकिन उनके अंदर उनके रंग में थोड़ा फर्क होता है, उनके जिस्म पे जो नीले छटे होते हैं उनकी बजाय ज्यादा हरे छटे पाए जाते हैं और उनकी दुम खाकी रंग की होती है आणि त्यांची शेपटी थोड़ी खाकी रंगाची असते और उनकी दुम थोड़ी खाकी रंग की